यहाँ पे लैपटॉप्स भी मिलते हैं अगर आपको लैपटॉप खरीदना है सेकेंड हैंड, तो वो भी ले सकते हो। डेल का दिख रहा है मुझे लैपटॉप यहाँ पे। चलो तो देखो ओल्ड कैम क्वार्टर्स, जो कैम क्वार्टर होता था JVC। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। सो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ चोर बाजार बैंगलोर का। सो आई एम गोइंग टू विजिट दैट प्लेस एंड इसके यहाँ आने के तरीके का लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लोकेशन का, और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो मुझे ये जगह ढूँढने में काफ़ी परेशानी हुई, बहुत मुश्किल से मिली है मुझे ये जगह, और इसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप किस तरह से आ सकते हो दो तीन तरीके बता दूँगा। और आगे जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं डिटेल में बताऊँगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो और सामान कैसे कैसे मिलता है यहाँ पर। सो लेट्स रॉक एंड रोल। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इतने सारे लोग, इतनी सारी भीड़, मतलब ये देखो संडे मार्केट है। हाँ, इसको संडे मार्केट कहते हैं और ये सिर्फ संडे इसको लगती है, तो आज संडे है तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आपको 100 रुपये से लेके 1000-1000 रुपये तक की चीज़ें मिल जाएगी, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकिल्स एंड बहुत सारी चीज़ें। तेरा देखिए चिक्को मेट्रो स्टेशन। हाँ मेट्रो स्टेशन, हाँ ये रहा देखिए मेट्रो स्टेशन। हाँ मैं बोल रहा था ना, मेट्रो स्टेशन आ रहा है उसके पास में। सो यहाँ पास में चिकपेट मेट्रो स्टेशन है इधर ये पीछे की तरफ, अगर आपको आना है तो आप डायरेक्ट इस स्टेशन पर उतर सकते हो और यहाँ से आप इस मार्केट में आ सकते हो। ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर चलिए पूछा जाता है एक बार। हाँ सेकेंड हैंड सारी ब्रांड कार्बन मितुशी फिलिप्स की है ना, येरी फिलिप्स प्रेस्टीज। हाउ मच? 800। ओके 800 रुपीज़। अब आगे चलता हूँ, देखता हूँ और क्या है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मास्क वास्क लगा के आना अगर आ पा रहे हो तो। तो यहाँ पे आपको जिम करने के डंबल भी मिल जाएंगे, इधर जिम के डंबल पड़े हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ पे, चप्पल वगैरह कुछ है। पीछे की तरफ दुकानें हैं, चलता हूँ मैं आगे की तरफ और इस मार्केट में और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या मिलेगा। वैसे अभी तक मिक्सर ग्राइंडर और ड्रिलर्स ये सब मिल चुके हैं मुझे और काफ़ी चीप रेट में, मतलब अगर आप चाहो तो इसको और रिड्यूस करवा सकते हो। मतलब सारा यूटिलिटी का सामान जो है, काम का जो डेली यूज़ होता है वो सब मिल जाएगा।
सो यहाँ पे स्पीकर्स और कुछ टीवी रखे हुए हैं जो आपने भी देखे। ये देखो कढ़ाइयाँ, तो ऑलमोस्ट सारा सामान तो दिख ही रहा है मुझे, और जितना आप इसमें बार्गिन करवा सकते हो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स वो बोलेगा उसको आप आधा भी करवा सकते हो, उसका 10% भी करवा सकते हो। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना बार्गेनिंग स्किल आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा आपके लिए। वो देखो ओल्ड कैम क्वार्टर्स, जो कैम क्वार्टर होता था JVC रिकॉर्डर्स पहले के लिए, वो एक ओल्ड कैम क्वार्टर है वहाँ पर। डंबल्स अगेन, यहाँ पे लैपटॉप्स भी मिलते हैं अगर आपको लैपटॉप खरीदना है सेकेंड हैंड, तो वो भी ले सकते हो। डेल का दिख रहा है मुझे लैपटॉप यहाँ पे, तो लेट मी आस्क द कॉस्ट कितना है, एक मिनट पूछ कर। दिस विल कॉस्ट यू 7500, दिस इज अ डेल लैपटॉप एंड दिस इज अ तोशिबा। वो इसका कितना है? 8000, या सो दिस विल कॉस्ट यू 8000। सो बेसिकली यू सी इट्स वेरी चीप, 900 का है। ओके सो दिस वन 900 फॉर दिस वन, लाइक एक डंबल के लिए। सो आप उसका नेट पे जाके उसका चेक कर सकते हो कि क्या है उसका रेट, और उसके अकॉर्डिंग आप अभी ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ, प्रेस्टीज का इसके लिए उन्होंने बोला है 350, सो इट्स वेरी चीप। 350 रुपये तो बहुत ज़्यादा कम है उसके लिए, क्योंकि नेट पे आप देख चेक करेंगे तो आपको 1000-2000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। ओके सो वॉशिंग मशीन से है, LG, हाउ मच फॉर दिस? 7500 फॉर दिस सर, तो 6 LG की है ना? और ये दिस वन इज फॉर, दिस वन इज आल्सो LG, इसका 6500। सो इट्स 6500 एंड यू ऑल्सो सी दिस रेफ्रिजरेटर्स हियर, इनका भी ऐसा कुछ कॉस्ट अराउंड ही है 7500, 6500, दिस मच ओनली। एंड यू कैन बार्गेन टू